हेलो एवरीवन, जय माता दी। तो फ्रेंड्स, मैं आज शेयर करने जा रही हूँ फर्स्ट नवरात्रे वाला व्लॉग। और जो मेरे ओल्ड फ्रेंड हैं उन्हें ये पता ही होगा, मेरी देवरानी नीचे रहती हैं। देखिए कितना सुंदर मंदिर सजा रखा है उन्होंने, ये मनिका ने सजाया है। देवी माता इतनी सुंदर लग रही हैं। और यहाँ पर मैंने कारपेंटर को बुलवाया हुआ है, क्योंकि जो किचन के कैबिनेट होते हैं ना, उसका चैनल अचानक से टूट गए। वो काफ़ी दिन से वैसे ख़राब हो रहे थे, तो जैसे ही ड्रॉर को मैंने बाहर की तरफ खोला और उसका चैनल अचानक से टूट गया और वो धड़ाम से नीचे गिरी ड्रॉर। बर्तन भी उसी में थे सब। और इससे पहले वो पैर पर गिरती तो बड़े वाला बेटा वहीं पर खड़ा था, उसने पकड़ लिया, वरना मेरा पैर तो पक्का टूट जाना था। बड़ा हादसा होते होते बच गया बस। और ड्रॉर का सारा सामान बाहर निकाल कर रखा हुआ था, इसी वजह से अर्जेंट में कारपेंटर को बुलाया। चैनल लगने के बाद देखिए कितनी स्मूथली चल रही है। तो कारपेंटर काम कर रहा था, इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी खाना बनाने के लिए। तो एक साइड मैंने टमाटर जार में पीसने के लिए रख दिए हैं और यहाँ पर बॉयल्ड आलू को काट कर रख दिया है। तो हस्बैंड ऑफिस से आ चुके हैं, एक साइड में चाय बना रही हूँ और दूसरी साइड मैंने कढ़ाई रख दी है सूखे आलू की सब्जी बनाने के लिए। और तब तक मैंने तीसरी गैस पर रख दिया है कुकर, उसमें मैं बनाऊँगी आलू टमाटर की सब्जी। और जब तक चाय बनकर तैयार होगी तब तक दोनों सब्जियों को मैं छोंक दूँगी। और ये यूज़ कर रही हूँ मैं मूंगफली का रिफाइंड, जो व्रत में काम आता है। और चाय तो बन चुकी है, बस मैं अब दोनों सब्जियाँ बना लेती हूँ। उसके बाद मैंने बॉयल्ड आलू को कसकर रखा हुआ है, मैं आटा कर लूँगी। तो व्रत की तो सब्जी सिंपल ही बनती है, इसमें जीरा डाल दिया है मैंने और सेंधा नमक और धनिया डाल दिया है, सूखा धनिया पाउडर। और व्रत की सब्जी में हम काली मिर्च पाउडर भी यूज़ कर लेते हैं, और लाल मिर्च अगर घर में पीसी हुई होती हैं सुखाकर तो हम उनको भी यूज़ कर लेते हैं। और हरी मिर्च काटकर मैंने डाल दी है और बस आलू भी डाल दिए हैं, अब इनको मैं फ्राई कर लूँगी। इधर टमाटर भी फ्राई हो गया है, इधर भी मैं आलू डालकर दोनों सब्जियाँ एक साथ तैयार हो जाएंगी। ये लीजिए, सूखे आलू की सब्जी भी बस तैयार हो जाएगी 5 मिनट में। और इधर कुकर में भी मैं पानी डाल देती हूँ आलू टमाटर की सब्जी, क्योंकि तरी वाली बनेगी। और इसको मैंने लगा दिया है ढक्कन और इसको मैं ढक कर रख देती हूँ सूखे आलू को। 5 मिनट बाद ये भी बनकर तैयार हो जाएंगे। और इधर दूध भी आ गया था तो इसको भी मैंने बॉइल करने के लिए रख दिया है। और रायते में डालने के लिए अब मैं भून कर रख रही हूँ जीरा, इसको भून कर मैं पीस लूँगी। दोनों सब्जियों को मैंने गैस पर से एक साइड रख दिया है, दोनों बन गई हैं। और जीरा भी भून चुका है और इधर दूध में उबाल भी आ चुका है। तब तक मैं आलू मैंने कस लिए थे आटा करने के लिए, और कुट्टू का आटा साथ साथ ही करना पड़ता है, नहीं तो पानी छोड़ देते हैं। तो आटा मैंने कर लिया है और मैं बना रही हूँ कचौड़ी, भोग के लिए पहले बना लेती हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, मैंने माँ के भोग की थाली तैयार कर दी है और बस माँ को भोग लगाने के बाद मैं सभी को खाना दे देती हूँ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।